हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल मंत्रा यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स का यूनिट वन का पार्ट टू, जिसका टॉपिक क्या है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन, जैसे मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि वैल्यू एजुकेशन का जो प्रोसेस होता है वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन होता है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन होता क्या है। और ये इस यूनिट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो हम समझते हैं कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन होता क्या है। सबसे पहले यस मैंने यहाँ पर बताया है कि प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन क्या है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन है। तो अब यहाँ पर बताया है कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन होता क्या है। ह्यूमन वैल्यूज कैन बी अंडरस्टूड बाय एन अप्रोप्रिएट प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी बिकॉज दे आर पोटेंशियली देयर इन ईच एंड एवरी ह्यूमन बींग। देयर इज ऑलरेडी अ नेचुरल एक्सेप्टेंस फॉर वैल्यूज इन ह्यूमन बींग, सो इट इज ओनली दैट वी हैव टू डिस्कवर देम और बिकम अवेयर ऑफ। द प्रोसेस फॉर वैल्यू एजुकेशन हैज टू बी ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, एंड नॉट ऑफ गिविंग सर्मन्स और टेलिंग डूज एंड डोंट्स। तो जैसे हमें पता है कि UHP में क्या होता है कि जो भी हमें चीजें दी होती हैं वो किसी ना किसी प्रपोजल के बेस पे दी होती हैं, और वैल्यू एजुकेशन में यही बताया गया है कि वैल्यू एजुकेशन का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन होता है। यहाँ पर हम किसी तरह का कोई रीडिंग्स या फिर पुरानी जो प्री कंडीशनिंग है उसके बेस पे है, यहाँ पर जो हमें प्रपोजल्स हैं उसके हिसाब से नहीं दी जाती हैं, ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन के बेसिस पे दी जाती हैं। एंड वॉट एवर इज फाउंड एज ट्रूथ और रियलिटी मे बी स्टेटेड एज अ प्रपोजल, जैसे मैंने बताया भी कि UHP में जो भी हमें चीजें बताई गई हैं, समझाई गई हैं, वो एक प्रपोजल के फॉर्म में हमारे सामने रखी जाती हैं। एंड एवरी स्टूडेंट इज टू बी इंकरेज टू वेरीफाई इट ऑन हिज हर ओन राइट। मतलब क्या है कि हमें जो भी चीजें दी होंगी वो एक प्रपोजल के फॉर्म में दी होंगी और हमें उसको वेरीफाई करना पड़ेगा अपने हिसाब से कि वो सही है या फिर वो गलत है। उसके बाद है, यू कैन चेक इफ यू वॉन्ट टू बी एबल टू डिसाइड ऑन योर ओन राइट और यू वॉन्ट समबडी एल्स टू डिसाइड फॉर यू। दिस समबडी मे बी अ ग्रुप ऑफ पीपल, इट मे बी सोसाइटी और एजुकेशन सिस्टम। और अगर आपको उस प्रपोजल को वेरीफाई करना है तो आप चेक करो कि आप उसको खुद से ही डिसाइड कर पा रहे हो अपने हिसाब से, या फिर आपको कोई और चाहिए उस प्रपोजल को बताने के लिए कि वो सही है या गलत है। तो ये जो somebody का टैग है यहाँ पर, ये जो somebody यूज करा गया है, ये somebody क्या हो सकता है, या तो बहुत से लोगों का ग्रुप हो सकता है, या फिर सोसाइटी के लोग हो सकते हैं, या फिर जो एजुकेशन सिस्टम है उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि हम डिसीजन ले पा रहे हैं कि हमें किसी और की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो आई होप कि इतना आप लोग को समझ में आया होगा। यहाँ पर बस इतना ही बताया गया कि वैल्यू एजुकेशन का जो प्रोसेस होता है वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन होता है, और जो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है वो एक प्रपोजल के फॉर्म में दी गई है और हमें उसको खुद से वेरीफाई करना है और चेक करना है कि हम खुद से वेरीफाई कर पा रहे हैं या फिर हमें दूसरों की जरूरत पड़ रही है उसको वेरीफाई करने के लिए। आगे वीडियो से बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मिले हमारे। अगर आप चैनल को अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये पर्टिकुलर चैनल हेल्प कर रहा है आपकी जर्नी में, आपके बीटेक में, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिले। अगर आप हमारे चैनल को और ग्रो करवाएंगे, हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे, तो ये मुझे मोटिवेशन की तरह हेल्प करेगा और मैं ऐसे ही वीडियोस और लाऊंगी ताकि आप लोग का जो पेपर है बीटेक का वो इजीली हो पाए, आप उसको अच्छे नंबर से स्कोर कर पाए। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसके साथ साथ एक और चीज़, हमारे सिविल मंत्रा के चैनल पर एक नया ज्वाइन बटन भी इंक्लूड हुआ है, जिसके बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारी आपको एडवांटेज मिलेंगी। तो हमारे चैनल में जब आप जाओगे, कोई भी वीडियो खोलोगे, तो आपको चैनल के नाम के साइड में एक ज्वाइन बटन दिखेगा, तो उस ज्वाइन बटन को आपको क्लिक करना है। अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करते हो तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ों की एडवांटेज मिलेगी, जैसे कि आपको कंसेप्चुअल वीडियोस मिलेंगे डिटेल में, जो कि आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप उन वीडियोस को पढ़ के अपना सेमेस्टर ईजिली क्रैक कर सकते हो अच्छे मार्क्स के साथ। सारे सेमेस्टर के आपको वीडियो मिलेंगे एक स्ट्रक्चर्ड वे में। PYQ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करवाएंगे, और आप लोग को पता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, बीटेक के अंदर, AKTU के अंदर जो PYQ क्वेश्चंस हैं उनकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है, तो वो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करवाएंगे। इसके साथ साथ आपको प्रीमियम वीडियोस, जो वीडियोस यहाँ पर प्राइवेट हैं, उसका एक्सेस मिलेगा, और आपका वीकली इंट्रैक्शन होगा हमारे एक्सपर्ट्स के साथ लाइव वीडियो में, और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की एक्सेस और व्हाट्सएप ग्रुप की भी एक्सेस मिलेगी, जहां पर आप जब चाहो अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे ज्वाइन का ऑप्शन था, आप चाहो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, आपको उसमें बहुत सारी एडवांटेज मिलेगी। ठीक, अब नेक्स्ट है कि अगर हम उसको खुद से वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, कि इफ यू आर नॉट एबल टू डिसाइड ऑन योर ओन राइट, कि हम खुद से नहीं वेरीफाई कर पा रहे उस प्रपोजल को, इसका मतलब क्या हुआ कि समवन एल्स इज प्रोग्रामिंग यू डिसाइडिंग व्हाट इज वैल्यूएबल एंड व्हाट इज नॉट वैल्यूएबल फॉर यू। इसका मतलब है कि कोई दूसरा है पर्सन
जो हमें प्रोग्राम कर रहा है, इस वजह से हम खुद का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर अनकॉन्शियसली यू कीप एक्सेप्टिंग दोज थिंग्स एज वैल्यूज, या फिर हम चाह के भी नहीं चाह रहे हैं कि हमें वो वैल्यूज जो है वो हम उनको वैल्यूज की तरह बिलीव कर रहे हैं। मतलब क्या कह रहे हैं कि हमें नहीं पता है कि हम गलत चीजों को वैल्यूज की तरह समझ रहे हैं, इसका मतलब दूसरा रीजन ये हो सकता है, ठीक है। और तीसरा रीजन क्या हो सकता है कि यू गेट बिजी विथ हाउ टू इम्प्लीमेंट देम, हाउ टू रियलाइज देम एंड मटेरियलाइज देम। तो उनको डिसाइड करना कि वो सही है या नहीं है, हम क्या सोच रहे हैं कि हम उनको इम्प्लीमेंट करें, उसको रियलाइज करें या फिर उसको मटेरियलाइज करें। मतलब क्या है कि हम उन वैल्यूज क्या उन पे डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्योंकि कोई बाहर से है जो हमें प्रोग्राम कर रहा है, जो हमें बता रहा है कि हमारे लिए क्या वैल्यूएबल है और क्या नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे रीजन हो गए कि हम क्यों डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, हम क्यों दूसरों पे डिपेंड हैं अपने डिसीजन के लिए। अब है द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन हैज टू बी इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग। ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी पेपर में आए तो आप लोग इसको बोल्ड करके लिखना कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन एक डायलॉग के फॉर्म में होता है। किसके बीच में डायलॉग होता है? अ डायलॉग बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट, ठीक है, टू बिगिन विद। मतलब जो टीचर है वो अपने स्टूडेंट्स को समझाएगी, उनके बीच में ये डायलॉग होगा, वो अपने स्टूडेंट्स को बताएगी कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन का पूरा प्रोसेस क्या होता है, और उसके बाद क्या होगा, फाइनली विद इन द स्टूडेंट, और फिर क्या होगा, स्टूडेंट के अंदर ये प्रोसेस चलेगा, बिटवीन व्हाट आई एम, ये देखिए मैंने यहाँ पर बोल्ड करके भी लिखा है कि व्हाट आई एम एंड व्हाट आई रियली वांट टू बी, विच इज द इननेट नेचुरल एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रोसेस है मेरा सेल्फ एक्सप्लोरेशन का, वो क्या है, वो एक डायलॉग के फॉर्म में है। डायलॉग किसके किसके बीच में है? टीचर और स्टूडेंट के बीच में। जो स्टार्टिंग में किसके साथ होता है? टीचर और स्टूडेंट के बीच में। उसके बाद क्या होता है, जब स्टूडेंट को पता चल जाता है, तब स्टूडेंट के अंदर रहता है ये डायलॉग। किसके बीच में रहता है? व्हाट आई एम, कि अभी मैं क्या हूँ, और मुझे व्हाट आई रियली वांट टू बी, मुझे आगे जाके क्या बनना है। ये क्या है, हमारी इननेट नेचुरल एक्सेप्टेंस है। मतलब ये हमारी इननेट का मतलब क्या है, जो हमारे पास पहले से होती है, इनबॉर्न जो चीज़ें होती है उसको हम इननेट बोलते हैं, और नेचुरल एक्सेप्टेंस है कि ऐसी चीज़ें जो हमें नेचुरली एक्सेप्टेबल हों। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस एक डायलॉग है हमारे टीचर और स्टूडेंट के बीच में, और आगे चल के ये डायलॉग बन जाता है कि व्हाट आई एम एंड व्हाट आई रियली वांट टू बी, ठीक है। तो ये लाइन आप लोग पेपर में ज़रूर लिखना, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।